नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूँ प्रीति सिंह और मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है आप सभी के सामने वो ज़रूरी मुद्दे लाने की जो जनहित से जुड़े होते हैं, जिन्हें अलग अलग सांसद सदन में उठाते हैं और इनका जवाब संबंधित मंत्रालय या कहें सरकार की तरफ से लिखित तौर पर सदन में दिया जाता है और ये अतारांकित प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले अरविंद जी, शुरुआत करते हैं सवालों की और पहला सवाल सरकार की जो बेहद महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान योजना, उससे जुड़ा हुआ है और ये हरनाथ सिंह यादव और विजय पाल सिंह तोमर ने पूछा है। तो अरविंद जी, इसका जवाब क्या दिया गया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा महत्वपूर्ण योजना है और अभी जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत ही बेबाकी के साथ इस बात को उठाया और कहा कि ये एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है जिसका पूरे देश के गरीब लोगों को खासतौर पर बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। और उन्होंने ये भी बताया खासतौर पर कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में जितने भी सांसदों के पत्र आते हों, किसी दल के हों, उन्होंने उसके माध्यम से सबको मदद करने की कोशिश की है। तो ये पिछले साल ही योजना लागू हुई प्रीति, और ये जो है 10,74,00,000 के करीब गरीब और वंचित परिवार हैं। अगर कुल मिला के इनका आंकड़ा देखेंगे तो 50 करोड़ के आसपास आते हैं ये। तो ये योजना जो है इसके जवाब में सरकार ने पूरे आंकड़े दिए हैं और ये पाया है कि जो इस अभी तक का जो आंकड़ा है कि कुल दावा जो हुए हैं वो 23,26,000 दावे हुए हैं, जिसमें 30,77,00,000 रुपए के दावे की राशि जो है निहित है। तो अगर आप ये देखेंगे तो कुल मिला करके ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना देश के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए, इससे बड़ी महत्वपूर्ण और योजना नहीं आई। और इसमें जो गरीब लोग हैं वो अर्बन और रूरल और जो लेबर कम्युनिटी है ये सारे सबको कवर करती है और इसके माध्यम से जो निशुल्क जो औषधियाँ हैं और निदान प्रदान किया जाता है। और अगर आप आंकड़ा देखेंगे इसमें सारा पूरा विस्तृत विवरण दिया हुआ, अगर आप देखेंगे इसमें 4-5 पेज में, तो ये 5,00,000 प्रति परिवार जो है ये हेल्थ कवरेज इसमें मिला हुआ है। तो ये काफ़ी जिसको कहेंगे कि महत्वपूर्ण योजना जो कि सरकार लेकर के आई है, इसका आने वाले समय में जो सामाजिक आर्थिक बदलाव में और स्वस्थ भारत का जो नारा है उसको बनाने में मददगार होगी। अच्छा प्रीति, अगर आज आप देखेंगे तो हम लोग काफ़ी सवाल हेल्थ के ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ और मंत्रालय हैं महत्वपूर्ण हैं, तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आपने देखा होगा कि हेल्थ का इशू इस समय पार्लियामेंट के दोनों सदनों में काफ़ी महत्ता के साथ उठ रहा है। खासतौर पर बिहार में जो बच्चों की मौत हुई है उसको लेकर के पूरा देश चिंतित है। तो सवाल है कि जो डॉक्टर और अस्पताल और बिस्तरों का जो अनुपात है, नदीमुल हक का ये सवाल है, इसमें क्या किस तरह के जवाब दिया गया? जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लगातार बेहतर करने पर सरकार का जोर है और इस जो मोहम्मद नदीमुल हक का सवाल है इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि जो WHO का मानक है, जो ये मानदंड है वो ये है कि 1,000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना ज़रूरी है। तो इस पर सरकार की तरफ से जो बताया गया है, उन्होंने कहा 31 जनवरी 2019 तक जो आंकड़े हैं उसमें 11,57,771 डॉक्टर पंजीकृत हैं यानी रजिस्टर्ड हैं, और अगर ये माना जाए कि इनमें से जो 80% डॉक्टर हैं वो फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से लगभग 9.26 लाख यानी 9,26,000 डॉक्टर इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस और जनसंख्या के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये अनुपात WHO के मानक से कम निकलता है, यानी करीब 1,457 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। इसके बाद सरकार ने ये भी कहा है कि ये हालांकि WHO के मानदंड से कम है, लेकिन अगर हम इसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टरों को भी मिला लें जिनकी संख्या करीब 7,86,000 है, इनमें से 6,28,000 डॉक्टर अभी उपलब्ध हैं यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इन सबको मिलाकर हम देखें तो ये अनुपात WHO के मानदंड से बेहतर है, यानी 868 लोगों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता हमारे देश में है अगर इन डॉक्टरों को भी मिला लिया जाए। इसके बाद ये पूछा गया था कि बिस्तरों की संख्या कितनी है, तो इसका ब्यौरा भी बिल्कुल डिटेल में दिया गया है कि कितने बिस्तर हैं किस राज्य में, साथ ही डॉक्टरों अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, तो इसे लेकर भी कहा गया है कि क्योंकि जन स्वास्थ्य और अस्पताल जो है वो राज्यों का विषय है, लेकिन फिर भी सरकार की जो कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने की है। इसमें बताया जा रहा है कि लगातार जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें
MBBS स्तर पर अधिकतम भर्ती क्षमता को अब 150 से बढ़ाकर 250 करने की है और स्नातक की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाई जा रही हैं और जो कमी है डॉक्टरों की उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और जो अरविंद जी जो दिया गया है ब्यौरा वो राज्यवार दिया गया है, अगर इसमें जल्दी से हम बता दें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र है जहाँ 173,384 डॉक्टर हैं तो पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जहाँ 133,000 के आसपास आंकड़ा है तो इस तरह से, और तीसरे नंबर पर बात करें तो ये कर्नाटक का नंबर आता है जहाँ 182,000 के आसपास डॉक्टर हैं। तो ये पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद अगर चिकित्सा से ही जुड़ा सवाल एक और है, इसी क्षेत्र से जुड़ा सवाल है अरविंद जी, और ये चिकित्सा उपकरणों के लिए कानून को लेकर रिपुन बोरा का सवाल है, तो क्या कहा गया इसके जवाब में सरकार? बिल्कुल प्रीति, इसमें जो देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों में जो चिकित्सा उपकरण हैं उनकी गुणवत्ता और इससे जुड़े सवालों को लेकर के काफ़ी समय से सांसद ये मांग कर रहे थे कि इस पर कोई कानून ले आने की ज़रूरत है, और जो UPA की सरकार थी वो एक कानून उसने ले आने की कोशिश की, वो 2013 में एक विधेयक जो है जिसको बोलते हैं कि औषध और प्रसाधन सामग्री संशोधन विधेयक, ये पेश किया गया था। बाद में ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और उसने जो कमेटी ने कहा कि जो विधेयक के कुछ प्रोविज़न हैं उनको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो है बाद में उसी के हिसाब से ये विधेयक वापस लिया गया और जो एक औषध और प्रसाधन सामग्री संशोधन विधेयक 2015 पेश करने के लिए फिर ये मंत्री समूह को भेजा गया, यानी NDA सरकार में ये थोड़ा बदलाव इसमें करने की कोशिश किया गया। लेकिन जब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जब पूरी इसकी पड़ताल की तो ये पाया कि इसके लिए अलग से विधेयक लाने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग कानून है जो अभी है उसी में नियम बनाया जा सकता है, और वह है औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, उसमें कुछ ऐसे नियम बना दिए जाएँ जिससे, तो वो नियम बाद में बना दिए गए हैं, उसका है चिकित्सा उपकरण नियम 2017, ये तैयार होके और नोटिफाई हो गया और 1 जनवरी 2018 से ये बाकायदा प्रभावी हो गया है। और इसमें जो है जो भी आयातित या जो यहाँ देश में बनने वाले जो चिकित्सा उपकरण हैं उनकी जांच का प्रोविज़न है इसमें, और उनकी क्वालिटी क्या है, वो ठीक क्वालिटी से काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए अगर वो खराब काम कर रहे हैं, तो ये सारे प्रावधान हैं। और कोई, क्योंकि इसका मूल मकसद ये था कि रोगी को नुकसान न पहुंचाएं, और ये इसके लिए कुछ और उपाय सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, निगाह रखी जा रही है, तो कुल मिलाकर के अब ये एक मजबूत नियम बन गया है जिसके तहत जितने भी तरीके के चिकित्सा उपकरण हैं उसमें ये जांच की जा रही है कि रोगियों को ये उपकरण किसी तरह नुकसान न पहुँचाएँ, क्वालिटी के हों, और ये सारा जो है। अब ये स्वास्थ्य से जुड़ा एक सवाल है जो कि प्रीति लगभग हर आदमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूध का उपयोग हर व्यक्ति करता है, तो दूध और जो दूध उत्पाद हैं क्या उसमें मिलावट चल रही है, कि हमारे राज्यसभा सांसद रामकुमार कश्यप का सवाल है, क्या जवाब आया है, किस तरह की स्थिति? बिल्कुल, इसको लेकर लगातार चिंता भी जताई जाती रही है अरविंद जी, और सफ़ेद दूध का काला बाजार लोगों को बहुत बीमार करता है, इसलिए इसे लेकर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि इस मिलावट को ख़त्म किया जाए। और इसके जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बहुत से ऐसे तत्व हैं जो दूध को दूषित करते हैं और मिलाए जा रहे हैं, इनका ब्यौरा भी उन्होंने दिया है कि वनस्पति फैट, डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, शुगर, यूरिया, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज स्टार्च, इस तरह की चीज़ें दूध में मिलाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन सरकार समय समय पर बता रही है कि वो नमूने लेकर उनकी जाँच करती रही है और बड़ी संख्या में ये नमूने लिए जाते हैं। और इसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक जिम्मेदारी इसकी बनती है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के मुताबिक कार्यान्वयन की, वो राज्य की बनती है कि वो अपने स्तर पर देखे। और इसके बाद जो उन्होंने आंकड़ा बताया है वो भी काफ़ी डिटेल में उन्होंने आंकड़ा दिया है, 3 वर्षों का ब्यौरा मांगा गया था, तो 3 वर्षों के ब्यौरे में अगर हम हालिया बिल्कुल हो रही है, और इसमें हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक स्थिति बताई है, हम हाल के आंकड़े जो 2017-18 के हैं उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि यहाँ इस साल 5,042 आंकड़े लिए गए जिनमें से 2,631 नमूनों में, ये जो नमूने लिए गए वो फेल हुए हैं, इनमें मिलावट पाई गई, और इनमें से जो दोष सिद्धि और जुर्माना किया गया वो भी करीब करीब इन सारे मामलों में किया गया, करीब 2,000 मामलों में ये हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी 6,270 नमूने लिए गए जिनमें से 904 नमूने मिलावटी पाए गए हैं। और सरकार का ये कहना है कि जब त्यौहार का सीज़न आता है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि इन सीज़न में, क्योंकि मिलावट की भी ज़्यादा खबरें आती है, बिल्कुल होती है, इसीलिए उस समय और ज़्यादा नमूने लिए जाते हैं और जाँच की जाती है इन सभी चीज़ों की।
तो ये सरकार की तरफ से जवाब है। इसके बाद अगर अगला सवाल लें अरविंद जी, तो ये सवाल है आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण से जुड़ा हुआ, जिसकी भी चर्चा आजकल बहुत है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये सवाल पूछा है, तो क्या जवाब है इसका सर? बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो जवाब दिया है कि ईडी जो है, जिसको हम हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, ईडी इस समय पूरे ऐसे मामलों की जाँच कर रही है, और 28 ऐसे लोग हैं जिनकी जाँच हो रही है, और ऐसे लोग हैं जो या तो विदेश में रह रहे हैं या ईडी की जाँच शुरू होने के पहले देश छोड़ दिया है, तो इसके बारे में, लेकिन नामों का खुलासा नहीं किया। आप ये देखिए कि सरकार के पास एक अधिकार होता है कि वो किन नामों का खुलासा जनहित में करे, किस पे नहीं करे, क्योंकि जांच पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो 14 लोगों के खिलाफ जो है प्रत्यर्पण का अनुरोध जारी किया गया है, और 3 लोगों को भारत लाया भी गया है। तो कुल मिलाकर के इस मामले में काफ़ी एक महत्वपूर्ण कानून भी बना है, जिसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, उसके तहत भी 7 लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो कहने का मतलब कि जो ये आर्थिक अपराधी हैं प्रीति जी, ये अब आसानी से बचने वाले नहीं हैं, इन पे एक सख्त कानून का शिकंजा कस रहा है। अब एक और सवाल, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इसमें प्रीति, कि जो GST का कलेक्शन जो है वो किस हद तक आ रहा है, क्योंकि हमारा भी समय ख़त्म हो रहा है, हम संक्षेप में इसको जानना चाहेंगे। हाँ। GST कलेक्शन की क्या स्थिति है, जो है नारायण लाल पंचारिया जी का ये जो है सवाल। तो ये जो नारायण लाल पंचारिया जी ने पूछा था है, वो उन्होंने कहा है कि जो मई 2019 का GST कलेक्शन हुआ है, वो अप्रैल 2019 के कलेक्शन की तुलना में क्या उसमें कमी आई है? तो इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि GST लागू होने के बाद से अब तक जो अप्रैल 2019 का कलेक्शन है, हाँ, वो रहा है करीब 1,13,865 करोड़ रुपये, जो अब तक किसी भी महीने में होने वाले कलेक्शन में सबसे ज़्यादा है, यानी अप्रैल 2019 में जो हुआ है। और आम तौर पर उन्होंने कहा ये बात भी होती है कि जो वित्त वर्ष का जो अंतिम महीना होता है उसमें हमेशा टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा उछाल आता है, क्योंकि करदाता ये कोशिश करते हैं कि अब क्योंकि आखिरी महीना है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कर है उनका उसका भुगतान कर दें, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2019 में। मई का उन्होंने जो बताया है उसमें बताया है करीब 1,289 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा है, यानी मई में कम है और अप्रैल में ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पर साफ की हैं। और ये भी बताया कि 2 साल में GST का जो कलेक्शन है उसमें लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, यानी वो लगातार बढ़ रहा है, और अप्रैल और मई में GST संग्रहण में अप्रैल की बात करें तो 10.1% और मई में बात करें तो 6.7% ये आंकड़ा रहा है। बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल लगातार 2 साल में बढ़ोतरी हो रही है सरकार की तरफ से कहा गया। और इस सवाल के साथ ही अरविंद जी, फिलहाल इस अंक में हमने कोशिश की कि जनहित से जुड़े जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हैं, जो अतारांकित प्रश्नों के जरिए पूछे जाते हैं और मौखिक रूप से जिनका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता बल्कि लिखित रूप में दिया जाता है, वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो इस अंक में फिलहाल इतना ही, और हमने कोशिश की आप तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय से जुड़े सवालों को लाने की। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही, अगले अंक में जनहित से जुड़े मुद्दों के प्रश्नों के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अरविंद जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।